एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जातक के उच्च दर्जे की शिक्षा के लिए हमें जातक की कुंडली में क्या देखना चाहिए। इसके लिए हमें पंचम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव और पंचमेश, जितनी अच्छी अच्छी स्थिति में होगा जातक की पढ़ाई उतने अच्छे उच्च दर्जे की होगी। पंचम भाव में शुभ ग्रह अर्थात बुध गुरु शुक्र का प्रभाव हो या बैठे हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति है या इनका दृष्टि बन रहा हो पंचम भाव पर, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पंचम भाव पर हो रही है तथा पंचम भाव का कारक गुरु भी पंचम भाव में बैठा हो या गुरु केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में हो और त्रिकोण 5वें 9वें भाव में हो, जितने भी अधिक ऐसे योग बनेंगे जातक की विद्या उतने उच्च दर्जे की होगी। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि पंचमेश अगर शुभ ग्रह होकर केंद्र में होकर अपने मित्र राशि में हो, सौ राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो जातक विदेश में भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके साथ है लग्नेश भी उच्च का शुभ राशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो जातक विदेश में जाके विद्या प्राप्त कर सकता है। इस तरह हमने देखा कि पंचमे चाहे जो भी ग्रह हो उसके साथ साथ गुरु भी बलवान हो और गुरु इस भाव का कारक होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए गुरु उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी और वो शिक्षा में अपना नाम कमाएगा। धन्यवाद।